नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी किस्से की सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर वरदान सुमन लेकर आया हूं एक प्राचीन कथा नए अंदाज में, और वही पुराना सीरीज हमारा कथा कहानी किस्से। आज मैं लेकर आया हूं पक्षीराज गरुड़ के भगवान विष्णु की वाहन बनने की कथा। दोस्तों, कथा शुरू होती है दक्ष प्रजापति से। सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थी, कद्रु और विंता, जिनका विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। यो तो दक्ष की बहुत सारी पुत्रियां थी, लेकिन गरुड़ जी के उत्पत्ति की जो कथा है वो इन दोनों बहनों से जुड़ी हुई है, इसलिए हम केवल इस समय यही कथा सुना रहे हैं। महर्षि कश्यप से उन दोनों बहनों का विवाह हो गया और दोनों अपने गृहस्थ आश्रम में रहने लगी। एक दिन दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे अभिष्ट वर मांगने के लिए कहा। कद्रु ने महर्षि कश्यप से कहा कि वो 1000 बलशाली सर्प पुत्रों की मां बनना चाहती है, माता बनना चाहती है। और ये बात सुनकर विंता ने सोचा कि वो क्या मांगे, उसे क्या मांगना चाहिए। तो विंता ने महर्षि से कहा कि वो केवल 2 पुत्र चाहती है, लेकिन वो कद्रु के 1000 सर्प पुत्रों से अधिक बलशाली हो। महर्षि कश्यप ने दोनों को आशीर्वाद दिया और तथास्तु कहने के बाद महर्षि तपस्या के लिए चले गए। बहुत समय बीतने पर महर्षि के तपोबल से एक दिन कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए और उसी समय विंता को भी 2 अंडे प्राप्त हुए। दासियों ने खुशी खुशी सभी अंडों को गर्म पात्र में रख दिया। दोनों माताएं इंतजार करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद कद्रु को उन 1000 अंडों में से 1000 बलशाली पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन विंता के पुत्र का क्या हुआ? क्या विंता के उन 2 अंडों में से पुत्र निकले? इतने इंतजार करने के बाद भी विंता के दोनों अंडों में से पुत्र नहीं हुए, तो वो बड़ी विचलित हो गई, बड़ी परेशान हो गई। और इस उत्सुकता में, इस विचलता में जाकर उसने एक अंडे को तोड़ दिया। उस अंडे में एक शिशु था जिसका आधा शरीर तो बन चुका था, लेकिन आधा शरीर अभी अपरिपक्व था, आधे अंग उसके अभी तक बने नहीं थे। यह देखकर उस शिशु को क्रोध आ गया और उसने अपनी माता को ही शाप दे दिया। उसने शाप दिया कि उसकी माता यानी कि विंता अपनी सौतन यानी कि कद्रु की 500 वर्षों तक दासी रहेगी। यह सुनकर विंता को बड़ा क्षोभ हुआ। वो बड़ी परेशान हो गई कि एक तो मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी, दूसरा उसी पुत्र ने मुझे शाप दे दिया। अब क्या होगा मित्रों? कथा आगे कैसे बढ़ेगी? कथा में आगे क्या होगा? जिस पुत्र ने माता को शाप दिया वो भी शाप से थोड़ा विचलित हुआ। उसने सोचा कि माता को शाप नहीं देना चाहिए, इसलिए उसने माता को एक युक्ति बताई। उसने विंता से कहा कि अगर उसने दूसरे अंडे को नहीं फोड़ा तो दूसरे अंडे में से निकलने वाला जो उसका पुत्र होगा वो इस शाप से विंता को मुक्त करेगा। ये कह के वो आधा बना हुआ शिशु उस अंडे में से निकलकर सूर्य भगवान की सेवा में चला गया। जानते हैं मित्रों ये शिशु कौन था? इस शिशु का नाम था अरुण। ये अरुण भगवान सूर्य के सारथी हुए। सुबह की जो लालिमा आती है वो उसी अधजन्मे शिशु अरुण की लालिमा कहलाती है। आगे क्या हुआ? फिर कई वर्षों तक इंतजार करने के बाद दूसरे अंडे में से एक शिशु पैदा हुआ। वो थे पक्षीराज गरुड़। आगे क्या हुआ मित्रों, ये जानने के लिए हम एक दूसरी कथा की तरफ चलते हैं। आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, जिसमें से ऐरावत हाथी, जिसमें से कौस्तुभ मणि, जिसमें से लक्ष्मी जी इत्यादि उत्पन्न हुए। उसी में से एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बड़ा विचित्र एक
अश्व पैदा हुआ, उस अश्व का नाम था उज्जयी श्रवा। वो उज्जयी श्रवा नामक अश्व एक बार आसमान के रास्ते कहीं जा रहा था और कद्रु और विंता दोनों बाहर खड़ी हुई आसमान की तरफ देख रही थी जब उन्होंने उस विचित्र घोड़े को देखा। कद्रु ने विंता से पूछा कि ये घोड़ा किस रंग का है, तो विंता ने जवाब दिया कि ये श्वेत रंग का है, यानी सफेद रंग का है। घोड़ा तब तक जा चुका था। कद्रु ने विंता से कहा, नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है, घोड़ा सफेद नहीं था। घोड़े का बाकी शरीर तो श्वेत है लेकिन उसकी पूंछ काली है। विंता को लगा कि शायद कद्रु ने उस अश्व को ठीक से नहीं देखा। दोनों के बीच में शर्त लग गई। और शर्त क्या लगी मित्रों? शर्त यह लगी कि अगर पूरा का पूरा घोड़ा सफेद है, पूरा का पूरा अश्व श्वेत है, तो गरुड़ की मां यानी विंता वो शर्त जीत जाएगी और कद्रु उसकी दासी हो जाएगी। लेकिन अगर घोड़ा सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है, तो सर्पों की माता कद्रु रानी बन जाएगी और गरुड़ माता यानी कि विंता दासत्व को प्राप्त होगी, उसे दासी बनना पड़ेगा। दोनों की शर्त लगने के बाद कद्रु ने विचार किया कि घोड़ा तो वास्तव में सफेद ही है, पूंछ भी उसकी सफेद है, तो क्या अब कद्रु को दासी बनना पड़ेगा? क्या वो शर्त हार जाएगी? ये सोचकर कद्रु ने एक युक्ति निकाली। उसने अपने सभी सर्प पुत्रों को याद किया, आह्वान किया और कहा कि कल जब उज्जयी श्रवा नामक घोड़ा यहां से निकलेगा तो उससे पहले ही सभी सर्प जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे पूंछ काली दिखने लगेगी। कुछ सर्प पुत्रों ने इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने से मना कर दिया, तो माता ने उनको शाप दिया कि वे सभी के सभी सर्प पुत्र जन्मेजय के सर्प यज्ञ में अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कहानी मैं किसी और दिन आपको जरूर सुनाऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मोड़ वाली कहानी है। अभी हम बात करते हैं वापस आकर कद्रु और विंता की। तो अपने आश्रम के बाहर खड़ी कद्रु और विंता प्रतीक्षा कर रही है कि कब उज्जयी श्रवा नामक घोड़ा यहां से निकलेगा। जैसे ही उज्जयी श्रवा घोड़ा वहां से निकला तो विंता ने देखा कि पूरा का पूरा घोड़ा तो सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। उसकी पूंछ काली क्यों दिख रही थी मित्रों? क्योंकि उस पर कद्रु के सर्प पुत्र लिपटे हुए थे। विंता शर्त हार जाती है और कई सौ वर्षों तक उसे अपनी सौतन अपनी बहन कद्रु की दासी बनना पड़ता है। वो दुखी हो जाती है, उसकी क्लांति म्लान हो जाती है, उसका जीवन में मन नहीं लगता, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, वो बड़ी क्षोभ में रहती है। एक दिन पक्षीराज गरुड़ अपनी माता को इस प्रकार उद्विग्न देखकर आते हैं और कहते हैं कि माता, मैं आपका दुख कैसे हर सकता हूं, मैं आपका कष्ट कैसे हर सकता हूं। तो माता कहती है कि मुझे तो नहीं मालूम कि तुम मेरा दुख कैसे हर सकते हो, लेकिन मेरे पिछले पुत्र ने मुझे कहा था कि तुम जरूर मुझे इस दासत्व से बाहर निकालोगे। ये सुनकर गरुड़ अपने भाइयों के पास जाते हैं, यानी कि उन 1000 सर्प पुत्रों के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी माँ से कहो कि वो मेरी माँ को दासत्व से खारिज कर दे, यानी कि उसका दासत्व खत्म कर दे। सर्प बड़े तेज थे, बड़े चतुर थे, उन्हें गरुड़ के बल के बारे में मालूम था, तो उन्होंने गरुड़ से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे, हम तुम्हारी माँ को दासत्व से स्वतंत्र कर देंगे, हम तुम्हारी माँ को दासी होने से स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए अमृत लाना पड़ेगा, वही अमृत जो कि समुद्र मंथन से निकला था। गरुड़ जी ने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी माँ के लिए अमृत लेकर आऊंगा। गरुड़ ने कहा कि ठीक है, मैं सभी सर्पों को अमृत लाकर दूंगा, और वो ये कहते हुए अपने 100 योजन लंबे डैने फैलाते हैं और आकाश की तरफ उड़ जाते हैं। क्या लेने? अमृत लेने।
और वो उड़ते 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 स्वर्ग पहुंचते हैं। वहां अमृत के अधिष्ठाता यानी कि अमृत के रक्षक, अमृत के राक्षस बैठे थे, जिनसे कि गरुड़ की बड़ी भीषण युद्ध होती है। और फिर वहां आते हैं इंद्र, और इंद्र वज्र से गरुड़ के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन गरुड़ उस वज्र का प्रहार झेल जाते हैं और जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। इससे पूरे के पूरे स्वर्ग में जबरदस्त आंधी चलने लगती है, पूरा का पूरा स्वर्ग त्राही त्राही करने लगता है। इंद्र भी सोचता है कि इस तूफान का सामना मैं कैसे करूंगा, और वो याचना करता है भगवान विष्णु से कि भगवान विष्णु आए और उसकी रक्षा करें। भगवान विष्णु अपनी शेष सैया छोड़कर वहां पहुंचते हैं और उस बलशाली पक्षी को देखते हैं। उस बलशाली पक्षी के बल को देखकर विष्णु जी उसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बलशाली हो, तुम अगर कुछ मांगना चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। अब गरुड़ जी के पास दो ऑप्शंस थे, एक वो विष्णु जी से अमृत मांग ले, लेकिन उन्हें मालूम था कि अमृत तो वो अपने बल से भी हासिल कर सकते हैं। दूसरा, अमृत उन्हें अपने लिए नहीं चाहिए था, ये बात भी सर्वज्ञाता त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु को मालूम थी। उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, मुझे पूरे जन्म के लिए, सदा सदा के लिए आपकी भक्ति चाहिए, आप मुझे अपना वाहन के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान गरुड़ को तथास्तु कहते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। गरुड़ वहां से अमृत का कलश उठाते हैं और सर्पों की तरफ को चलते हैं। फिर क्या हुआ? क्या सर्पों को अमृत कलश मिल जाता है? क्या सारे के सारे सर्प अमर हो जाते हैं? इस कहानी में आगे चलकर हम देखेंगे एक और ट्विस्ट, कहानी में एक और मोड़। जब गरुड़ जी उस अमृत कलश को लेकर स्वर्ग से निकलते हैं तो इंद्र भी पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने सर्पों को अमर होने वाला अमृत पिला दिया तो सोचो ये किस प्रकार तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देंगे। गरुड़ कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, मुझे तो अपनी माता को आजाद कराना है। तो इंद्र गरुड़ जी को एक युक्ति सुझाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने सर्पों को अमृत कलश लाकर देने के लिए तो कहा था, लेकिन ये वचन नहीं दिया था कि उस अमृत को तुम उन्हें पिलाओगे भी। गरुड़ इंद्र की बात समझ जाते हैं और अमृत कलश लेकर वहां पहुंचते हैं जहां हजारों सर्प उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब गरुड़ सोचते हैं कि ये अमृत कलश इन सर्पों से कैसे बचाऊं? इंद्र का रोल तो बाद में आएगा, अभी तो गरुड़ को अपने बुद्धिमानी का परिचय देना था। माता को भी आजाद कराना है, अमृत कलश भी बचाना है, तो गरुड़ जी ने क्या किया? गरुड़ जी उस कलश को लेकर सर्पों के बीच में रखते हैं और कहते हैं कि क्योंकि ये कलश स्वर्ग से आया है इसलिए पवित्र है, और आप सब लोगों को चाहिए कि अमृत पान करने से पहले एक बार आप स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ होकर आ जाएं, तब तक मैं यहीं इस अमृत की रक्षा करूंगा। सर्पों को पता है कि गरुड़ अपने लिए अमृत कलश नहीं लाए हैं, वो इस अमृत को नहीं पिएंगे, क्योंकि अगर गरुड़ जी को अमृत पीना होता तो वो पहले ही पी चुके होते। अब सारे के सारे सर्प स्नान करने चले जाते हैं। जैसे ही सर्प वहां से जाते हैं, इंद्र पीछे से आकर अमृत कलश ले जाते हैं। जब सर्प वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि अमृत कलश वहां से गायब है, लेकिन गरुड़ जी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके थे, अमृत कलश को स्वर्ग से लाकर सर्पों के बीच में रख चुके थे। सर्प भी गरुड़ जी की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, आज से हमने तुम्हारी माता को दासित्व से मुक्त कर दिया। इस प्रकार गरुड़ जी ने अपनी माता विंता को मुक्त कराया और वे सदा सर्वदा के लिए भगवान विष्णु के वाहन बने। हम सब लोग गरुड़ जी की कथा अपने मोक्ष के लिए सुनते हैं, लेकिन उत्पत्ति की कथा सुनने में जो आनंद है वो गरुड़ जी की पूरी कथा सुनने में कहां। हां, एक और बात,
इस बीच में एक दो कथाएं हैं जो हमने अभी नहीं सुनी, वो कथा फिर किसी और दिन, कथा कहानी किस्से में।